धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में राजनीति गरमाई हुई है। वही कांग्रेस राज्य सरकार को धर्मांतरण के मुद्दे में घेरने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में जगदलपुर के सिरासार चौक पर इकट्ठा हुए और कांग्रेसी सरकार पर जमकर निशाना साधा। नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि इस मामले में कांग्रेस खामोशी का चोला ओढ़े हुए है, जिसके चलते आदिवासियों का धर्मांतरण बस्तर संभाग में बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इस दौरान नेताओं ने सुकमा की घटना का जिक्र किया। नेताओं ने कहा कि सुकमा के एसपी ने भी माना है कि जिले में धर्मांतरण हो रहा है और इसको लेकर उन्होंने जिले के सभी थाना प्रभारियों को पत्र लिखकर सतर्कता की बात कही। आज का यह जगदलपुर का कार्यक्रम, आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल यहाँ से संक्रांत करता है धर्मांतरण के विरुद्ध, तो छत्तीसगढ़ में हम करवाएंगे। राज्य सरकार के कानून तो बनी हुई है, लेकिन हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि संसद में इसके लिए कानून लेकर आए और इस धर्मांतरण को जड़ से यहाँ से खत्म करें।